चलो ठीक है, ये वाली लाइट बंद कर देता हूँ। हाँ चलो देखिए, हाँ हेडिंग लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। बेटा इधर ध्यान देना है, रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, मतलब ये कहा जा सकता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ जहां पर होता है वो सभी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडॉक्स कहलाती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है, एक है आपका सी, दूसरा है डी, फिर है डी, फिर है डी। आप सोच रहे होंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसा कुछ नहीं लिखना, सी के बाद ई आएगा ही नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ क्या है, सी है, डी डी डी, इतनी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी, सी डी डी डी। तो इनमें से जो पहला है उसका नेम लिखो, जल्दी से लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नेम है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, एक प्रकार की रिडॉक्स होती है। अभी मैं इनकी हिंदी बताऊंगा। दूसरा कौन सा होता है, डी कंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा नंबर देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नोट करते हैं ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और चौथा नंबर है डिस प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहली हेडिंग लिखे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें से इसका नाम बताइए हिंदी में, योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, योगात्मक, एक प्रकार से संयोगात्मक अभिक्रिया, कंबाइन हो रहा ना, योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इसके नाम से संयोग अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके नाम से ही पता चलता है, ले गया बेटा सबका, चलो समझो इसको, इनके नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उन दोनों रिएक्टेंट में से जो दो रिएक्टेंट है उनमें से एक रिएक्टेंट का नाम है सपोज ए और दूसरे रिएक्टेंट का नाम है बी, प्रोडक्ट आपका बन गया। क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी कंबाइन हुए, दो मिलकर के क्या बनाए, एक। ये हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक एलिमेंट क्या, कोई एक सब्सटेंस क्या होगा, एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। या तो यह एलिमेंट हो, यह कोई कंपाउंड हो, या यह एलिमेंट हो, यह कोई कंपाउंड हो, या दोनों एलिमेंट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम
एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक क्या होगा, एलिमेंट होगा मतलब तत्व होगा, ठीक। अब हम योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा समझ लेते हैं। जब दो सब्सटेंस, ठीक है, दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस क्या होगा, निश्चित रूप से एक सब्सटेंस एलिमेंट होगा। दो सब्सटेंस आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड या सब्सटेंस बनाते हैं। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, ठीक है, सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योग अभिक्रिया कहते हैं, योग अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या करते हैं, यहां कुछ हम उदाहरण लेते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया कार्बन और यहां लिख दिया ऑक्सीजन। कार्बन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, यानी दो कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं और एक कप पदार्थ, एक पदार्थ बनाएंगे। तो उस पदार्थ का नाम बताइए क्या होगा, कौन सी रिएक्शन हो गई, दो मिलकर के एक बनाए, कंबाइन हो गए, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पेन देना बेटा थोड़ा, चलते कोई भी, ठीक है। देखिए आपके पास एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, यानी एक पदार्थ ये, एक पदार्थ है, दोनों पदार्थों को मिला, दो मिलाया ना, दोनों को मिला करके एक बनाए, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण क्या है कि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, लेकिन हाँ हमको यह भी तो प्रूव करना है साथ में कि यह रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स है, यह भी तो प्रूव करना है। हमने किसका टाइप पढ़ा है, रिडॉक्स का टाइप, और प्रूव करना है कि यह अभिक्रिया रिडॉक्स है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को पहचानिए, बताइए कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर ऑक्सीजन की -2, कार्बन की कितनी होगी +4, है ना, सबको आ गया। अब आप देखिए कार्बन से जब हम चलते हैं तो सी के पास चलेंगे ना, और ऑक्सीजन से चलेंगे तो किसके पास चलेंगे, ओ के पास। तो यहां जो कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 से क्या हुआ, बढ़ गया ना, इसे हम क्या बोलेंगे, 0 से यहां ऑक्सीजन क्या हो गया, -2, इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। अच्छा हाँ, यहां मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, सबको पता है, फिर भी देखो बता देता हूं कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, दो ऑक्सीजन है तो टोटल कितना हो गया, -4, -4 यहां से यहां तक है, तो इधर कितना रखा जाए कि आंसर 0 दिखे, तो -4 इधर क्या हो जाएगा, +4, एरिया डिसाइड करना है, इधर का एरिया -4 का, इधर का एरिया +4 होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। CH4 की रिएक्शन मैं O2 से कराता हूं, इस अभिक्रिया का नाम होता दहन अभिक्रिया, क्या नाम होता है, दहन अभिक्रिया। अब दहन अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं,
कंबसन रिएक्शन, क्या बोलते हैं कंबसन रिएक्शन, तो यह एक प्रकार की कंबसन रिएक्शन है। तो जितनी भी कंबसन रिएक्शन होती है, जितनी भी दहन अभिक्रियाएं होती है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चलाते हैं वो सभी रिडॉक्स होती हैं और एडिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। किसका एग्जाम्पल होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है योग अभिक्रिया का। देखते हैं कैसे, CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो CH4 में जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हाइड्रोजन है क्या बनाएगा H2O बनाएगा। इसको थोड़ा सा हम संतुलित कर लेते हैं, हाइड्रोजन 4 है 2 का गुणा किया, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया CH4 को O2 से रिएक्ट करा CO2 और H2O। लेकिन जो हमने डिफिनिशन बताया है, डिफिनिशन के अकॉर्डिंग टू क्या है, हमने कहा था कि जब कोई दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, यहाँ कितने दिख रहे हैं दो, कंफ्यूज मत होना, इसको भी हम क्या करते हैं एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसका रीजन क्या है समझना, क्यों ऐसा कहा जाता है इनमें से दो की जगह एक ही माना जाता है, इसको क्यों रिडॉक्स के अनुसार। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकालते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +1 होती है ना। अब एक हाइड्रोजन की +1 है तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो इतने एरिया का कितना हो गया टोटल 4+ हो गया। अब यदि यहाँ 4+ है तो इस एरिया को मिलाए तो टोटल कितना होगा, यहाँ पर हो जाए -4, तब जाकर के आंसर 0 आएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी है -2, ये कंपाउंड बना है किसी के साथ अटैच है -2, एक ऑक्सीजन का -2 है तो दो ऑक्सीजन का कितना हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एरिया -2, तो इस एरिया को क्या लिखा जाए कि उत्तर 0 आए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा +4। चलिए यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक हाइड्रोजन की +1 है तो दो हाइड्रोजन की 2+ हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया 2+ का, तो इस एरिया को क्या माना जाएगा -2, तभी तो इक्वल होगा -0 आएगा लास्ट में 0 आएगा। अब आप ये देखिए कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हुआ है, हमारा डाउट कहाँ पर चल रहा था कि दो पदार्थ मिलकर क्या बनना चाहिए एक पदार्थ बनना चाहिए और इस रिएक्शन में कितने ने पार्टिसिपेट किया है, इस रिएक्शन को करने में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, इस रिएक्शन को करने में किन में परिवर्तन हुआ है। तो जिन्होंने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया, मान लो उन्होंने ही तो रिएक्शन कराया होगा, देखते हैं किसने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर -4 से क्या हो गई, इसका मतलब इसने परिवर्तन किया, ठीक, एक मेंबर आपने ये मान लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितनी थी पहले 0 थी, अब कितनी हो गई -2 हो गई, इसमें भी परिवर्तन हुआ, ठीक। आप कहते सर यहाँ पर भी तो -2 है, यहाँ क्यों नहीं लिख देते, चलो ठीक है वहां भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यदि मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना चाहूं तो मैं इस पदार्थ को ना भी लिखूं तो भी मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा सकता हूं। कैसे, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 में पहुंची, इसका मतलब यहां क्या हुआ, फिर यहां देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बाद में कितनी है, मतलब हाइड्रोजन कहता मैं अपनी लाइफ में चेंजिंग नहीं करूंगी, इसका मतलब अपने लाइफ में चेंजिंग नहीं कर रहा, और यदि अपने लाइफ में चेंजिंग नहीं कर रहा इसका मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहता, रिडॉक्स में सहयोग नहीं कर रहा, तो हम क्यों मानेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ। दूसरा, अब बात आती है इस वाले ऑक्सीजन की, ये वाला ऑक्सीजन कहता है कि इसमें परिवर्तन है लेकिन मेरे में तो परिवर्तन हुआ, तो हमने सोचा या हमने ये कहा कि तुम्हें हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि तुम इस व्यक्ति का साथ दिए हो ना, और यदि हम तुम्हें नहीं भी अपने साथ शामिल करेंगे तो हम ऑक्सीजन के परिवर्तन करने वाला एजेंट यहां पर हम मिल ढूंढ लेंगे। कैसे, 0 से क्या हुआ, 0 से, तो ये कहता मेरा तो रिडक्शन हुआ,
हमने कहा ठीक है तुम्हारा रिडक्शन हुआ, हम तुम्हें यदि नहीं भी शामिल करते तो भी हमें रिडक्शन कहने के लिए ये वाला मिल गया, ये मिल गया ना। इसका मतलब हम लास्ट में ये कहेंगे ना कि इस पदार्थ को बनाने में दो लोगों ने साथ दिया और दो लोगों ने साथ दिया, दो मिलकर क्या बनाए, इस पदार्थ को बनाए, बना ये भी। लेकिन रिडॉक्स में हम कह सकते हैं इसके बिना भी हमने समझा दिया, मैं इसको शामिल ना करूं तो भी मैं इसको समझा देता हूं, तो इसको भी हम क्या मानते हैं कि दो से मिलकर के एक पदार्थ बना और ये रखा है बैलेंसिंग के अनुसार, संतुलन करने के लिए रखा है, ठीक है। परिवर्तन इसमें हुआ लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं हुआ, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं अभी। लेकिन याद रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं, सभी रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स होती हैं, भले ही वहाँ दो पदार्थ लिखे हुए हैं, ठीक है।